अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज की मेरी रेसिपी है पेशावरी पुलाव, मतलब काबुली पुलाव। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गोश्त है वो मैंने एक दिन पहले ही बॉईल कर ली थी। तो इसके अंदर मैंने दो बड़ी बड़ी साइज़ की प्याज और 3 से 4 टमाटर डाल के और हल्का सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर ली थी। और इसके अंदर अच्छा 2 कप भर भर के पानी डाली थी क्योंकि हमको इसकी यखनी निकालना था। ठीक है, तो ये गोश्त मैंने ना अलग से निकाल ली हूँ और इसकी यखनी को साइड में कर देंगे। और यहाँ पर ये जो काबुली चना है इसको भी मैंने बॉईल करके ले ली थी, इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको बॉईल कर ली थी, इसको भी साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर कितना बात कर रहे पीछे से, तो आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल ले ली हूँ और उसके अंदर मैंने डाली 2 चम्मच भर भर के घी। एक्चुअली ये पूरा घी में ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं मुझे नहीं जमा एकदम, मतलब पूरा घी में, तो इसके लिए मैंने ऑयल और घी दोनों ली थी। आपको चाहिए तो सिर्फ घी ले लो। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा और कुछ खड़े मसाले, गर्म मसाले मतलब अखे वाले, वो मैंने डाल दी। 1 इलायची 4 और हरी इलायची और लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब वगैरह, तो ये सब ना डाल दी मैंने अखे गरम मसाले। और फिर ये जो प्याज थी उसको अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके इसको डाली मैंने। तो ये बड़ी साइज़ की, 2 बड़ी साइज़ की प्याज थी। ठीक है, तो इसके बाद प्याज डाल देंगे। अब प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन हल्का सा गोल्डन होने देंगे। तो यहाँ पर ना प्याज हमारी गोल्डन हो रही है, जब तक मैंने ये जो किशमिश ली हूँ ये किशमिश को है ना पानी में भिगो देंगे। अब आपको चाहिए तो काली वाली किशमिश ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने भिगा दी थी किशमिश को और यहाँ पर मेरी प्याज भी हो गई थी एकदम गोल्डन। प्याज गोल्डन होने के बाद इसके अंदर मैंने डाली 2 बड़े बड़े टोमेटोज कट करके। तो यहाँ पर एकदम बारीक चॉप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, यहाँ पे बड़े बड़े मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी टमाटर को, तो वही डाली। और उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने डाली अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर अदरक लहसुन वगैरह नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अदरक लहसुन के बगैर पुलाव और बिरयानी में मज़ा है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी। और अगर मिर्ची चाहिए तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो, लेकिन यहाँ पे मैंने मिर्ची को ना बीच में से कट करके इसको मैंने, ये देखो 8 से 9 मिर्ची थी उसको मैंने कट करके डाल दी। इसमें मैंने पेस्ट को नहीं यूज़ करी मिर्ची के, आपकी मर्ज़ी अगर चाहिए तो कर सकते हैं। अदरक लहसुन के बगैर देखो कितना भी अच्छा पुलाव बना दो मज़ा आएगा ही नहीं, तो हल्का सा ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी मिर्ची भी। उसके बाद ये वाला जो मसाला है पुलाव का मसाला, ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अब ये पुलाव के मसाले में मैंने पीसी अखी धनिया, ज़ीरा और सब खड़े गरम मसाले को हल्का सा रोस्ट करके मैंने पीस ली और फिर इसको भी डाल के अच्छे से भून लिया। ये भून चुका था मेरा मसाला, अब इसके अंदर डाल देंगे ये जो गोश्त मैंने अलग से निकाल के रखी थी वो वाला गोश्त। अब ये गोश्त को एक्चुअली क्या है ना, हम लोग को एकदम अच्छे से ना कुक करना है, मतलब फ्राई करना है एकदम ऑयल के अंदर। तो ये मसाला तो अच्छे से भून चुका था, उसके बाद जब मैंने डाली गोश्त उसके बाद फिर कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से चला चला के है ना पूरा, मतलब भून लेंगे गोश्त को भी, अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके अंदर एक बहुत अच्छा वाला टेस्ट आएगा। जितना अच्छे से भुनेंगे ना गोश्त तो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन गोश्त को हम लोग को पूरी तरीके से तोड़ना नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब चला चला के गोश्त टूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखो मेरा गोश्त हो गया था बहुत अच्छे से फ्राई, और मैं कम से कम इसको 10 से 12 मिनट मुझे लगे पूरी तरीके से फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा फ्राई होके भी एकदम डन हो गया था। तो ये देखो कितना अच्छा इसका टेक्स्चर लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त बना भी था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमने साइड में यखनी रखे थे, पीछे कितनी आवाज़ आ रही है, इसके वो बात कर रहे हैं मीटिंग में बैठे हुए, तो मतलब इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर यखनी डाल दी मैंने। अब यखनी को है ना हल्का सा बॉईल आने देंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉईल आते ही आते ये जो चना रखा था ना, तो मैंने ये चना भी डाल दी उसके अंदर, ये जो बॉईल करके मैंने चना रखी थी, थोड़ा सा मैंने अलग निकाल ली गार्निशिंग के लिए, और जितना हमको चाहिए मैंने वो डाल दी चना भी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी डाली, नमक बहुत सोच समझ के डालेंगे क्योंकि यखनी में गोश्त उबालने में जो हमने नमक डाले हैं तो वो नमक उसमें है, तो बहुत सोच समझ के नमक डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बॉईल भी आ गया था मेरी यखनी में बहुत अच्छा वाला। अब बॉईल आ गया था तो यहाँ पर देखो मैंने चावल ले ली हूँ, जो हम लोग नॉर्मल रोज़ खाते वही वाला चावल ली मैंने। आपको चाहिए तो बासमती राइस वगैरह जो आपकी मर्ज़ी वो डालो। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके चावल को डाल दी उसके अंदर। अब चावल डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे, पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल डालने के बाद भी बॉईल आ गया था बहुत अच्छा वाला, ये देखो
एकदम ना मतलब फटाफट से चम्मच नहीं मारेंगे ताकि हमारा चावल एकदम टूट जाए, है ना। हल्का हल्का से चम्मच मारते हुए उसको पकने देंगे। तो ये जो पकते जा रहा था और उसके बाद फिर मेरा पूरा पानी जो था वो ड्राई हो गया था, तो इस पॉइंट पर इसको अच्छी तरीके से सब तरफ से चला कर ना उसको ढक देंगे। अब ये देखो, ये मतलब हमारा दम देने का टाइम आ गया है और एकदम स्लो आंच थी मेरी, उसको मैंने ढक दी थी एक तरफ और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी थी पैन। पैन को है ना गरम होने देंगे, उसके अंदर डालेंगे एक चम्मच भर के घी। अब घी अच्छे से गरम करेंगे। ये देखो घी मेरा मेल्ट हो गया था और मेल्ट होने के बाद घी उसके अंदर मैंने जो कट करके ये जूलियन कट करके रखी थी मैंने गाजर, तो ये गाजर डालेंगे। गाजर को इसके अंदर फ्राई करेंगे। गाजर फ्राई होने के बाद, ये गाजर इसलिए डाला जाता है कि इसके अंदर हल्का सा स्वीटनेस मतलब ना ऐड करते हैं। तो ये गाजर के साथ साथ कितने लोग ना ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर हल्का सा शुगर भी डालते हैं, लेकिन वो शुगर में मज़ा नहीं आती। हमको सिर्फ ये जो किशमिश है और गाजर का जो स्वीटनेस है ना उसी से हम लोग काम चलाएंगे। तो ये मैंने किशमिश भी डाल दी और ये डाली थोड़ा सा काजू। काजू एकदम ऑप्शनल है, अगर मन है तो डालो वरना ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन किशमिश और गाजर डालना ज़रूरी है। और बस इसको बहुत अच्छे से फ्राई करके ऊपर गार्निश कर देंगे। और यहाँ पे मेरा है ना पुलाव भी हो गया था डन। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसा बना। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी बना था, तो ज़रूर ट्राई करना। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर इनका रिएक्शन देखो कि कैसा बना था। तो जब तक ले ला हाफिज़। पुलाव में अलग जायका, अलग जायका। पुलाव इज अ पेशावरी पुलाव, पेशावरी हाँ जो भी है, बहुत सारे नाम है इसके। काबुली थोड़ा थोड़ा सी सब चीज अलग रहता है, काबुली इसलिए बोलते हैं, काबुली इसलिए बोलते हैं इसका चना पड़ता है, काबुली चना पड़ता है इसलिए इसको काबुली बोलते हैं। ठीक है, बाजर है सच्ची, अच्छा बना ना। हाँ रियल अच्छा हाँ एकदम सच में, नहीं कुछ अलग पुलाव, अलग ट्राई वाला पुलाव बना। पुलाव के जैसा टेस्ट है, मतलब थोड़ा सी अलग, कुछ डिफरेंट है। पुलाव के से नहीं, कुछ अलग ही पुलाव का टेस्ट है, अलग वो वाला टेस्ट नहीं है, मतलब पक्का अच्छा लगा ना। अच्छा अब ऐसे ही बनाना, अलग ऐसे ही बना, तो अलग 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 डिफरेंट अलग अलग। हाँ तुमको तुम्हारा कुछ एक्शन है सबसे अलग, लाबा सबसे अलग अलग।